राजकीय स्कूल के खेल मैदान में हूँ जो नाथवाना रोड पे नहर के पास स्थित है, और आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे साथ हैं राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल जयपाल सिंह जी, और ये अन्य स्टाफ भी आए हैं और पर्यावरण दिवस मनाए जा रहे हैं, इनसे संदेश ले रहे हैं। पर्यावरण दिवस के बारे में आपका क्या संदेश है और इस खेल मैदान के? पर्यावरण दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी खेल प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजकीय विद्यालय का खेल ग्राउंड है जो लंबे समय से उपेक्षित था। आज खेल प्रेमी ही अपने ही खुद की भावना से यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इसको जैसे संगरिया में दो तीन पार्कों का अभिनव पार्क है या संगम पार्क है, उनका विकास किया है। आज ये जन सहयोग से इसका पार्क का खेल मैदान का पुनर्निर्माण करने का बीड़ा आज उठाया है, और संगरिया के पूर्व प्रधान क्षेत्र के हरदीप शापिनी जी ने भी आज 2 इंची समरसिबल की घोषणा यहाँ की है, जो इस भामाशाही कार्य में एक शुरुआत है। जो आज पौधे लगाए गए हैं, और इससे पूर्व साथियों ने जो गर्मी के दिनों में यहाँ पौधे लगाए थे, उनको पालने में और उनको छायादार बनाने में ये बड़ा सहयोग करेंगे। हमारे साथ में नगर पालिका के ईओ साहब हैं, मेरे पूर्व स्टाफ हैं, शहरवासी हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो विद्यालय के बच्चे हैं, एनसीसी के स्काउट के बच्चे हैं, उनको इस कार्य में शामिल किया जाए, और सरकार से भी हम अपेक्षा करेंगे कि कोई अच्छी खेल प्रतियोगिता विद्यालय को दी। क्या आप इस तरीके की उम्मीद करते हैं भाई, अगले साल जब हम पर्यावरण दिवस यहाँ बनाएंगे तो एक 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 विस्तृत वातावरण देखने को मिलेगा? मैं ऐसी पूर्ण उम्मीद करता हूँ, और मैं आपके इसके साथ में ये उम्मीद आपसे भी करता हूँ कि आपको इसकी उम्मीद मेरे से भी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगली बार जब हम यहाँ इस दिन एकत्रित होंगे तो यहाँ का समा और माहौल और ऊर्जा अलग ही होगी। हाँ, जिस तरीके से आज हमने सामान्य आग्रह पे लोगों को बुलाया और शहर के तमाम संगठन अधिकारीगण, अधिवक्तागण, संवाददातागण सब लोग पहुँचे हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है, तो उस हिसाब से मैं आशा अच्छी करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ आएँ, आप सुबह का भ्रमण शाम का भ्रमण यहाँ करें। माना कि ये जगह आज के समय में उस लायक नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ आने लगेंगे तो ये जगह आपके लायक बनने लगेंगे, और आप खुद मिलकर इसको अपने लायक बना लेंगे। जैसे शहर के विभिन्न पार्कों का आपने निर्माण किया है, माहौल क्रिएट किया है, अच्छे लोग जब आएंगे तो बुरे लोगों का यहाँ पर प्रवेश अपने आप निषेध हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।